जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका बहुत ही खास वीडियो में। दोस्तों बहुत ही बड़ी न्यूज़ अवध विश्वविद्यालय के बीएड और एमएड से जुड़े सभी बच्चों के लिए। तो न्यूज़ क्या है दोस्तों, आपके बीएड और एमएड एग्जाम्स फॉर्म की अधिसूचना जारी कर दी गई है। विश्वविद्यालय ने अपने वेबसाइट पर यह जारी कर दिया है कि आपकी एग्जाम फॉर्म कब भराएंगे। तो पहले सूचना को पढ़ते हैं कि फॉर्म कब भरा जाएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे कि परीक्षा होने की संभावना क्या है। तो सूचना क्या है पहले उसको देख लेते हैं दोस्तों। अवध विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप आएंगे तो आपको सीधे आ जाना है एग्जामिनेशन फॉर्म पे। यहीं पे आपके बीएड से संबंधित सूचना दी गई है। तो ये रहा दोस्तों हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म, हम यहाँ पे कर देते हैं क्लिक। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके बीएड और एमएड के बारे में जो सूचना जारी की गई है कि आपका परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा। आज शाम को अपडेट कर देखिए, सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पे दिखाई देता हुआ मिलेगा कि बीएड और एमएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की मुख्य एवं भूतपूर्व परीक्षा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं फिर उसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे बात किया जाएगा। तो देखिए अवध विश्वविद्यालय के बारे में, देखिए ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि बीएड एवं एमएड की प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की 2023 की मुख्य या रेगुलर एग्जाम्स की बात की जा रही है। दोस्तों आपकी रेगुलर एग्जाम संपन्न कराने हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म परीक्षा शुल्क 10 जुलाई यानी कि आज का ही डेट निर्धारित किया गया है, लेकिन अभी अपडेट नहीं किया गया, थोड़ी देर बाद अपडेट कर लिया जाएगा। तो आज से 17 तारीख तक भरा जाएगा। देखिए क्विक करना है, अब आप बिल्कुल यहाँ पे कोताही नहीं कर सकते क्योंकि आप सब ने डिमांड किया था कि पेपर जल्दी हो जाए ताकि आप बिहार के लिए आप एलिजिबल हो जाएं, ठीक है। और एक और बात है कि सत्र हमारा पीछे जा रहा था। तीसरी बात ये है दोस्तों कि एमएड इंट्रेंस एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, तो जब तक आपका बीएड कंप्लीट नहीं होगा कैसे आप एमएड में जाएंगे। तो तीन बातें, तो इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा किया कि उसने सूचना जारी कर दिया। और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा देगी, 31 से पहले तो करा ही देगी। तो याद रखिए, अब अगर कोई कमी होती है तो ये आपकी कमी होगी, यूनिवर्सिटी की कमी नहीं होगी। तो 10 से 17 यानी कि 7 दिनों का मौका है और इन 7 दिनों के अंदर ही आपको परीक्षा फॉर्म भर लेना है। कैसे भरना है मैं वो आपको बताऊंगा, एक लाइव फॉर्म भर के मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सूचना में कहा गया है दोस्तों कि 10 से 17 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद तत्संबंधी महाविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि पूरी परीक्षा आवेदन पत्रों का वेरिफिकेशन 18/7 तक कर ले। जैसे कि 18 जुलाई तक क्या करेगा, जो हमारा कॉलेज है, जो हमारा महाविद्यालय है, वो इसका सत्यापन कर लेगा। और 19 तारीख तक क्या होगा दोस्तों, 19 तारीख तक छात्र संबंधी सूची 19 तारीख तक जमा करना सुनिश्चित करें। विश्वविद्यालय को सारा डेटा 19 तक लॉक कर दिया जाएगा। अब प्लीज़ मैं आप सबसे कहता हूँ, देखिए ये जो भी फैसला है दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि इस बार जो यूनिवर्सिटी काम कर रही है बहुत ही अच्छा काम कर रही है और बहुत ही क्विक काम कर रही है। इससे पहले जो एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था तो वो डेट निकलती थी, फिर उस डेट को बढ़ाया जाता था, लेकिन ऑन डेट दोस्तों, ऑन डेट जैसा विश्वविद्यालय ने कहा था कि एमएड का एंट्रेंस एग्जाम्स होगा, 28 तारीख को एमएड का एंट्रेंस एग्जाम ले लिया गया था, कोई भी फॉर्म बढ़ाई नहीं गई थी, डेट बढ़ाई नहीं गई थी। तो बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है 15 से पहले दोस्तों, 5 दिनों में ही आपको अपना परीक्षा फॉर्म भर लेना है। उसमें अगर आप नहीं भरते हैं तो ये आपकी कमी मानी जाएगी, किसी और का दोष नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रही, बहुत ही साधारण बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों। हम ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कि विश्वविद्यालय इस डेट को बढ़ाए, क्यों बढ़ाए, हमारे पास 7 दिनों का इनफ टाइम है। तो 7 दिनों तक लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, हम 15 तक क्या करेंगे, परीक्षा फॉर्म भर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद का कार्य किसका है, महाविद्यालय का है, हमारे कॉलेज का है। तो कॉलेज क्या करेगा, 19 तक दे देगी। लास्ट में कहा गया दोस्तों कि नाम एवं पिता के नाम त्रुटि संबंधित छात्र छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आपका जिस नाम से एडमिशन होता है वही चीज़ें रहती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर मुख्य सूचना क्या थी भाई, मुख्य सूचना ये थी बच्चों, प्रमुख सूचना है, ये प्रमुख सूचना है कि 10 तारीख से, आज से, अभी अपडेट नहीं हुआ है, मैं आपको जैसे ही अपडेट होता है मैं एक फॉर्म भर के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 10 से 17 यानी कि 7 दिनों का समय है, 5 दिनों के अंदर हमें पूरा परीक्षा फॉर्म भर लेना है। और अब उम्मीद करिए कि बहुत ही जल्द इसके फॉर्म कंप्लीट होने के बाद, कि आज 10 तारीख है ना, तो आज एमएड और बीएड के बैक पेपर के एग्जाम चल रहे होंगे, महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कैंपस में एग्जाम चल रहा होगा। तो इसके बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। आपका 17 तारीख तक समय दिया गया है, 17 से मान लीजिए 19 तक तो इसका कार्य चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन या मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना, ये जुलाई है, एक महीना मान लीजिए, 18 अगस्त 15 अगस्त मान लीजिए,
उस समय तक सारा काम विश्वविद्यालय कर लेगा और अगस्त में ही आपकी पेपर करा देगा, एग्जाम करा देगा। क्योंकि विश्वविद्यालय के पास ये एक जिम्मेदारी है कि एमएड का सत्र जो पीछे हो रहा है उसको हमें क्या करना है, शुरू करना है। एमएड का एंट्रेंस एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है और अगर जब तक बीएड सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं होगा हम एमएड को शुरू नहीं कर सकते, विश्वविद्यालय नहीं कर सकता शुरू। तो इसीलिए दोस्तों अब आपको बिल्कुल लेट नहीं करना है, आपकी तैयारी शुरू कर देनी है। ये बहुत हम इस बात को मानते हैं कि अभी छात्रों के पास, देखिए अभी आपके पास बिल्कुल समय नहीं है कि आप समय ख़राब करें। आपके पास तीन प्रमुख एग्जाम हैं। पहला, अगर जो बच्चे सीटेट के लिए अप्लाई किए हैं उनका भी 20 अगस्त को यहाँ पे नोटिफिकेशन है, अगस्त में 20 अगस्त को आपका सीटेट का पेपर है। दूसरा, आपके बीएड का पेपर संभवतः अगस्त में मान के रखिए होगा, ठीक है। तीसरी बात है दोस्तों, अगर कोई बच्चा बिहार के लिए आवेदन करता है तो बिहार की भी संभावित परीक्षा तिथि अगस्त में ही निर्धारित की गई है। तो अब एक विद्यार्थी का पूरा काम क्या होना चाहिए सिवाय पढ़ाई के और कुछ नहीं। और याद रखिए, जब आप बीएड को पढ़ रहे हैं ये आपके सीटेट में काम आने वाला है, जो आप बीएड सीटेट में पढ़ रहे हैं ये आपके बिहार भर्ती में काम आने वाला है। तो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। अब आपका पूरा फोकस जो है दोस्तों बिल्कुल पढ़ाई पे होनी चाहिए, पढ़ाई पे होनी चाहिए। और बीएड से संबंधित देखिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में, मैं खुद मेहनत करूँगा, मेरे भी और एग्जाम्स हैं, दैट इज अपार्ट फ्रॉम, मैं खुद मेहनत करूँगा, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं मैं वो करा दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करा देंगे, जो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैराथन में आपको करा दिया जाएगा। तो बीएड को लेके आपको मेहनत करना है लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, वो अवेलेबल मैं करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सूचना ये थी बच्चों कि 10 तारीख से 17 तारीख के बीच में आपकी एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगी, आपको ये फॉर्म भर देना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, टाइम से पहले भर दीजिएगा। क्योंकि हम उम्मीद नहीं, हम इस बात पे नहीं जाएंगे कि इस डेट को बढ़ाया जाए, और हम नहीं चाहते भी हैं इस डेट को बढ़ाया जाए, क्योंकि परीक्षा फॉर्म समय से भरिए और उसके बाद समय से एग्ज़ाम हो, आपका सत्र समय से पूरा हो। जिन बच्चों को एमएड करना है वो एमएड समय से उनका सत्र पूरा हो। जिन बच्चों को, सोचिए ना कितना अच्छा मौका है, एक बार ज़रा सोचिए, अगर आपने मेहनत कर दिया दोस्तों, ये सुनहरा मौका है, सोचिए ये बहुत ही सुनहरा मौका, अगर आपने मेहनत कर दिया, ज़रा देखिए, बीएड की परीक्षाएं आपकी अगस्त में पूरी हुई मान लीजिए और बिहार में भर्ती चल रही है, ये कितना सुनहरा मौका है कि अगर आप मेहनत कर देते हैं, बिहार में शिक्षक बन जाते हैं जो भर्ती चल रही है, तो आपका यहाँ कॉलेज ख़त्म हुआ और अगले दिन आप टीचर बन गए, और इससे बड़ा क्या होगा, हर एक विद्यार्थी का यही सपना होता है। तो बिल्कुल आप अपने समय को नहीं गंवाना है, और मेरी तरफ से विश्वविद्यालय के कुलपति जी और जितने भी संबंधित अधिकारीगण हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने जो बच्चों की मांग थी, जो हमारा वीडियो का रिक्वेस्ट था उस पर उन्होंने अमल किया। हालांकि एक थैंक यू वीडियो भी बनाया जाएगा, जैसे हमने निवेदन वीडियो बनाया था वैसे हम एक थैंक यू वीडियो भी बनाएंगे, आभार वीडियो भी बनाएंगे और उनसे शुक्रिया कहा जाएगा डेफिनेटली। लेकिन इसमें अब क्या करना है दोस्तों, विद्यार्थियों को एक्टिव हो जाना है, हमें पढ़ाई शुरू करनी है, फॉर्म सही समय से भर देना है, अपना समय नहीं गंवाना है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बीएड और एमएड, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षा की फॉर्म आखिरी बार 10/7/2023 से शुरू होने वाली है और 17 तक भरी जानी है, मतलब 7 दिनों का मौका है। आप तैयार रहिए, परीक्षा फॉर्म जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है मैं एक फॉर्म भर के दिखा दूंगा, बीएड और एमएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के। फिर आपको क्या करना है, परीक्षा फॉर्म उसी आधार पर भर लेना है और आपकी तैयारी में जुड़ जानी है, बिल्कुल जुड़ जानी है, अब कोई और बहाना नहीं, ठीक है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, सही हैं, टेंशन नहीं लीजिए, इतना घबराइए मत, आराम से एक सब्जेक्ट उठाइए, बताइए कि आपको कैसे पढ़ना है, उसको उठाइए और तैयारी हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। बाकी जैसी भी कोई सूचना आएगी आपको डेफिनेटली बताया जाएगा, घबराना नहीं, चिंता नहीं करना है, हमें क्या करना है, मेहनत करना है, और एक विद्यार्थी का यही तो सपना होता है, विद्यार्थी का कार्य तो यही होता है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों, ये बहुत बड़ी सूचना है, बहुत खुशखबरी की बात है आप सबके लिए। आपकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, बिल्कुल एक सुनहरे मौके की तरह देखिएगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह देखिएगा, और खुशी से खुशी कमेंट में बताइए कि यह सूचना जानकर आपको कैसी लगी, ठीक है, कमेंट में बताइए। और आप सब अपने स्तर से भी विश्वविद्यालय से जुड़े जितने भी शिक्षकगण हैं, स्पेशली ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं, आप जिस स्तर से हो सकते हैं आप उन्हें थैंक यू मैसेज जरूर भेजिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया, हालांकि एक शुक्रिया वीडियो बनाया जाएगा, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी तैयारी अच्छी करनी है, मेहनत मुझे भी करना है, मेरे बहुत काम है, तो डेफिनेटली आपके लिए मैराथन वीडियोस आएंगे, 1/1 यूनिट वाइज लेक्चर वीडियो आएंगे, आपके फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट हैं, सेकेंड ईयर के 3 सब्जेक्ट हैं, पूरा कराया जाएगा। तो चिंता नहीं करिए, बस पढ़ने के लिए तैयार रहिए, मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, और बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उसको क्या करना है, हमें एग्जाम देना है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों, बाकी जैसी सूचना आती है आपको बताया जाएगा, और अब लेट मत करिए, अगर नहीं जुड़े चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, और इस सूचना को अपने अन्य साथियों तक भेज दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत, तैयारी शुरू रखिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।